हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप करने से पहले एंड मेकअप करने के बाद जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है उसको घर पे बनाने का बहुत ही कम रुपयों में आसान तरीका क्या है। तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रेज आपने देखे होंगे, बाज़ार में बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, बट ये इतने कॉस्टली होते हैं कि कई बार काफ़ी लोग इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, या इनमें जो इंग्रीडियंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे अपने आसपास के मार्केट में, तो आप इसको सस्ते में अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये जो मेकअप सेटिंग स्प्रे होता है, ये अगर आप मेकअप से पहले लगाएं तो जैसे होता है ना, चेहरा बहुत ड्राई और फ्लेकी दिखता है, तो उसको काफ़ी हद तक ये ख़त्म कर देता है। एंड मेकअप के बाद अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपके मेकअप को और ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने में मदद करता है। एंड काफ़ी लोगों को होता है ग्लोई या ड्यूवी मेकअप चाहिए होता है, तो उसके लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे परफेक्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा DIY होममेड मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके की एक स्प्रे बॉटल लेनी है, एम्प्टी स्प्रे बॉटल। एंड आपको अपने स्प्रे बॉटल को हाफ डिस्टिल्ड वाटर या आपके घर में जो RO वाटर होता है उससे भरना है, यानी कि जो टैप से आ रहा है पानी वो नहीं, जो फिल्टर हुआ हुआ पानी है आपको इसको हाफ उससे फिल करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुलाब जल। मैं डाबर का गुलाब जल इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसमें करीब 6 चम्मच गुलाब जल डालूंगी। तो मेरी 1 चम्मच 5 ml की है, तो टोटल मैं 30 ml गुलाब जल डालूंगी। इसके बाद इसमें डालना है 3 चम्मच ग्लिसरिन और इसमें मैं डालूंगी करीब 1.5 चम्मच एलोवेरा जल। मैं पतंजलि का एलोवेरा जल इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड फाइनली एक इसमें विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल, यहाँ पे मैं इवियन 400 विटामिन ई ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप विटामिन ई ऑयल जो सेपरेटली आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस स्प्रे बॉटल में डाल के बॉटल बंद करके अच्छे से 2 से 3 बार शेक दे दीजिए, ताकि जो हैवी इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लिसरिन और एलोवेरा जेल वो आपके वाटर के साथ आराम से मिक्स हो जाए। एंड फिर आपका ये DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे तैयार है। आप इस स्प्रे को करीब 1 से 1.5 महीना आराम से स्टोर कर सकते हैं। एंड इसको मेकअप करने से पहले एंड मेकअप करने के बाद इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया वो मेकअप करने से पहले था, एंड जैसे अब मैंने अपना मेकअप फिनिश कर लिया है तो इसको हल्का सा वो ड्यूई इफेक्ट देने के लिए, ग्लोई इफेक्ट देने के लिए, एंड इसको इसी तरीके से देर तक फ्रेश रखने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो अपने फेस से करीब इतना दूर रख के, बिल्कुल पास नहीं रखना है आपको, करीब इतना दूर रख के आपको इसे 2 से 3 बार अपने फेस पे स्प्रे करना है। एंड इसको करीब 1 मिनट तक आप अपने फेस पे इसी तरीके से ड्राई होने देंगे। तो ये इंस्टेंटली मेरे मेकअप को सील कर देता है एंड मेरे मेकअप का वेयर टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे के ऊपर, यानी कि मेकअप से पहले एंड बाद में लगने वाला जो सेटिंग स्प्रे है उसे घर पे कैसे बनाएं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।